तो दोस्तों कोई आपको इस गाड़ी में बैठा हुआ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो ये कहानी सुनने के बाद आपको जरूर कोई ना कोई इस गाड़ी में बैठा हुआ दिख जाएगा। तो ये कहानी है हर्ष और सुमित की, जो दो बंदे होते हैं जो दिल्ली में बचपन में साथ में ही पढ़े होते हैं, साथ में खेले होते हैं और अब काम भी साथ में कर रहे होते हैं। जो हर्ष होता है जब वो 12वीं में होता है, 12th क्लास में होता है, तब उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। जब ब्लैक मैजिक होने के बाद वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, वो अपने आप को दीवारों में बिठाने लग जाता है और अपना सर पटकने लग जाता है। और काफ़ी मतलब घरवाले भी उससे परेशान थे क्योंकि उसको हर जगह दिखा लिया था, तांत्रिक के पास दिखा लिया था और हर पंडित के पास, हर जितने भी वो जहाँ दिखा सकते थे वहाँ दिखा लिया था। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं मिल रहा था इन चीज़ों का। हफ्ते में एक दो बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर कुछ आ जाता है या साया या वो जो भी आप कहो, और वो ऐसे मतलब खाना खाने बैठ जाता तो खाते ही रहता था और पानी पीने बैठ जाता तो पानी पीता ही रहता था। मतलब उल्टी पोजिश आदमी जैसी हरकतें करता है, वो अजीबोगरीब हरकतें करता था। तो एक बार हर्ष की मम्मी को किसी ने कहा कि आप इसको मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, जो भी इसमें दिक्कत होगी वो वहाँ पर आप एक बार लेके जाओ, हो सकता है कि वो हर्ष काफ़ी हद तक अच्छा हो जाए। तो उसकी मम्मी ने ऐसा ही किया और उसकी मम्मी अगले साल हर्ष को मेहंदीपुर बालाजी ले जाती है और वो वहाँ से आने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाता है, जैसे कि कभी उसमें कोई दिक्कत हुई ना हो। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जो जाता है वो ठीक होके ही आता है। तो हर्ष भी ऐसे ही एकदम ठीक हो गया था और अब हर्ष और सुमित दोनों साथ में ही नौकरी कर रहे थे। तो हर्ष उस इंसिडेंट के बाद में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग गया था और सुमित काइंड ऑफ मतलब इतना भक्तिलीन नहीं था, वो मतलब भगवान में इतना पूजा पाठ नहीं करता और ड्रिंक वगैरह नॉनवेज वगैरह खाता था। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी सैटरडे और संडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो हर्ष ने प्लान बनाया कि क्यों ना इन दो दिन हम मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं, मैं दर्शन भी कराऊंगा। तो सुमित ने कहा कि ठीक है लेकिन मैं दर्शन नहीं करके आऊँगा क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊँगा और गाड़ी ले लेते हैं अपनी। तो हर्ष ने भी ऐसे ही कहा, बोलो ठीक है चलो चलते हैं। तो ये सुबह शनिवार को 9 बजे दिल्ली से निकलते हैं और 1-2 बजे तक मेहंदीपुर बालाजी के पास तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इतने में सुमित ड्रिंक करने लग जाता है और वो अपने माहौल में जसने लग जाता है। सुमित का कहना था कि वो मंदिर तो जाएगा नहीं दर्शन करने के लिए, इसलिए वो ड्रिंक वगैरह करने लगा और गाड़ी में ही बैठने की सोच रहा था, लेकिन होटल वहाँ पर था नहीं तो उन्होंने कहा कि चलो धर्मशाला ही ले लेते हैं। इतने में हर्ष और सुमित दोनों फ्रेश वगैरह हो गए धर्मशाला में और शाम का टाइम आ गया तो हर्ष चला गया आरती के लिए मंदिर में और सुमित अपने फिर से वो ड्रिंक और अपने माहौल में एकदम सेट होने लग गया और वो ड्रिंक के ऊपर बियर के ऊपर बियर पिए जा रहा था। तो इतने में हर्ष ने सुमित को फोन किया कि चलो चलते हैं यहाँ पर और हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी है और मतलब दर्शन कर लिए हमने, तो चलो यानी यहाँ से निकलते हैं। तो सुमित और हर्ष दोनों बैठ के फिर से दिल्ली की तरफ आने लग गए थे और लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद उनको एक वाइन शॉप दिख गई। तो इतने में सुमित ने फिर से 4 बियर और ले ली उस वाइन शॉप में और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक और चिकन शॉप दिख गई, तो उनमें उन्होंने चिकन फ्राई वगैरह कुछ रोस्टिंग वगैरह कर लिए, ऑर्डर कर लिया और अपनी गाड़ी में साथ में रख लिए। तो इतने में हर्ष और सुमित को एक ढाबा दिख गया, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत खाने के बाद हर्ष गाड़ी चलाने लग गया और सुमित ने कहा कि मैं एकदम फुल हो चुका हूँ और अब मुझे नींद आ रही है, तो वो पीछे सो गया। तो हर्ष 9:30 बजे उस ढाबे से निकले थे और 10:30 बजे के करीब उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब टायर पंचर हो जाता है तो वो आसपास देखते कोई था नहीं, तो सुमित को उसने उठाया और कहा कि टायर पंचर हो गया। तो सुमित ने कहा कि अरे यार यहाँ पर कोई है भी नहीं, लेकिन पास ही में खंभे के ऊपर लिखा हुआ था पंचर के लिए कॉल करें। तब उन्होंने उसको कॉल किया और पंचर वाला अपनी किट लेके उस गाड़ी के पास आया और पंचर लगा दिया और वो फिर से स्टार्ट करके चलने लगे अपने घर की ओर। और 10 से 20 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी के चारों टायर पंचर हो जाते हैं और हर्ष और सुमित दोनों टेंशन में हो जाते हैं कि चारों टायर कैसे पंचर हो सकते हैं। तो फिर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि पास ही में 100 मीटर दूर एक पंचर वाले की दुकान थी और वो पंचर वाले के पास उस गाड़ी को ले जाते हैं जैसे भी तैसे धक्का मार के। लेकिन वो पंचर वाला भी आश्चर्य में था कि चारों टायर पंचर मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं, कभी कभी मैक्सिमम 2 टायर पंचर हो सकते हैं लेकिन 4 मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि ऐसे चारों टायर पंचर भी हो। तो पंचर वाले के पास चारों टायर का पंचर लगाने के बाद वो फिर से दिल्ली की ओर चलने लगते हैं और अब की बार हर्ष आगे गाड़ी चला रहा था और सुमित पीछे सोया हुआ था।
और जब हर्ष थोड़ी दूर और चलता है तो उसकी गाड़ी अचानक डिवाइडर के अंदर लग जाती है। और हर्ष को भी समझ में नहीं आया था कि वो अचानक कैसे हुआ, क्योंकि उसने हैंडल को नहीं घुमाया था और वो अपने आप ही जाके लग गई। और सुमित फिर से टेंशन में था कि यार तुमने ये गाड़ी कैसे एक्सीडेंट करा दी। तो हर्ष उसको कन्विंस कर रहा था कि यार मैंने कुछ नहीं किया, ये गाड़ी अपने आप ही हैंडल अपने आप ही इसके अंदर लगा है, और जो भी पीछे चिकन वगैरह उन्होंने बनवाया था बियर की बोतल थी वो सारी सामने आ जाती है, पीछे से गिर के जैसे गाड़ी में धक्का लगता है तो वो आगे आ जाती है। और सुमित देखता है कि हमने 4 बोतल ली थी जिसमें से मैंने 2 पी ली और 2 और बची है, तो दोनों खाली, मतलब 4 बोतल खाली थी उस समय। तो सुमित कन्फ्यूज हो जाता है कि किसने पी, वो हर्ष से पूछता है और हर्ष कहता है कि मैंने कुछ ड्रिंक नहीं किया। और फिर वो चिकन को देखते हैं जिसमें चिकन था ही नहीं, ओनली हड्डी हड्डी थी। तो इतने में उनके पापा का फ़ोन आ जाता है उनके पास, और उनके पापा को फ़ोन करते हुए बताते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, माइंड एक्सीडेंट, कोई ज़्यादा चोट वाली बात नहीं है। लेकिन उनके पापा मानते नहीं, क्योंकि उनके पापा को ऐसा लगता है कि बच्चे मुझसे डर रहे हैं और उनका कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे बता नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी व्हाट्सअप फ़ोटो भेजो और गाड़ी की व्हाट्सअप फ़ोटो भेजो, तब मैं मानूंगा कि आप सच बोल रहे हो। और इतने में ही हर्ष ने दोनों फ़ोटो भेज दी। इतने में हर्ष के पापा को हर्ष को दोबारा कॉल आता है और कहते हैं कि तुम कहाँ हो। तो बोले कि हम सुनसान सड़क पर हैं, यहाँ पर चारों ओर जंगल है, कोई भी यहाँ पर है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ पर भी हो जल्दी से यहाँ से निकलो। तो वो अपने पापा को कन्विंस करते हैं कि नहीं पापा, ना मुझे ज़्यादा इतनी कुछ लगी नहीं है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है और हम गाड़ी स्टार्ट करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, आप हमारी बात मानो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, जहाँ पर भी आप हो, किसी भी चीज़ में, कोई भी गाड़ी ट्रक कुछ भी आपको मिले तो यहाँ से निकलो। तब हर्ष अपने पापा की बात मानता है और रातों रात वहाँ से निकल के दिल्ली आ जाता है। और उनको एक कैब ड्राइवर मिलता है जो कि दिल्ली की ओर ही जा रहा होता है, उनकी अच्छी किस्मत थी, तो वो बैठ के उनके पास चला जाता है दिल्ली। तब वो सुबह जब उनसे मिलते हैं हर्ष के पापा, तो उनसे पूरा वाक्य पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, आप किस तरीके से गए, क्या क्या हुआ। और जैसे 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 हुआ हर्ष ने वैसे वैसे बता दिया। तब उनके पापा ने कहा कि आपने जो मुझे फ़ोटो भेजी है उस फोटो को दोबारा देखो, और जो आपको कुछ दिख रहा है क्या उसमें। तब उन्होंने देखा तो उसमें कुछ था। तब उनके पापा ने उनको बताया कि जो मंदिर का प्रसाद होता है वो साथ में नहीं लेके आते, और जो आप ड्रिंक वगैरह करके गए थे ये तरीका नहीं होता मंदिर में जाने का, और आपके साथ कुछ आ गया था जो कि गाड़ी में रह गया। तो ये थी पूरी कहानी। थैंक यू फॉर